व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। और गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री फायर में जो न्यू इवेंट आया है इसके बारे में। हालांकि ये इवेंट मतलब स्टार्ट हो गया, आप देख पाएंगे या फिर बहुत लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा कि रैम्पेज का जो फिलिप वाला ये इवेंट है, ये गेम के अंदर आ चुका है। तो इसका रूल्स क्या है, आपको किस तरीके से प्ले करना है, किस तरीके से विन करना है, इसका रूल क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में टोटल बताने वाले हैं। तो ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक लेते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप आते हैं इवेंट वाले सेक्शन में, न्यूज़ वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रैम्पेज फिलिप। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका मतलब रूल्स जो है थोड़ा सा बता देते। यहाँ पर लिखा हुआ है ए न्यू इवेंट हैज़ कम, फिलिप ए कार्ड इन द रैम्पेज फिलिप इवेंट यूजिंग ए हॉर्स स्कल टोकन टू विन प्राइजेज कंप्लीट एंड फॉर्म ए लाइन विथ फोर कार्ड टू कलेक्ट प्राइज एंड मूव द नेक्स्ट लेवल। देयर आर ए टोटल ऑफ थ्री लेवल टू क्लाइंब। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो है हॉर्स, मतलब मॉर्निंग में मैंने बताया था कि ना हॉर्स का स्कल जो मिला है आपको, तो वैसा उसका यूज़ किस तरीके से करना, तो यहाँ पर आपको उसका यूज होगा। तो यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आया, चलते हम डायरेक्टली यहाँ पर गेम के अंदर। तो यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक करते हैं, गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको समझ कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रैम्पेज मैटर, यानी कि 3000 मिलियन। अब बताएं 3000 मिलियन ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक में लिखा हुआ है डायमंड का, यहाँ पर उसको यहाँ पर वेनर का, उसको यहाँ पर आया आपका गन की स्किन। यहाँ पर हम लोग इवेंट पर चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इवेंट का काम। यहाँ पर आप देख पा रहे कि यहाँ पर टोटल इवेंट है, लेकिन गाइस इसका थोड़ा सा आपको रूल समझना पड़ेगा, वरना आपका जो कार्ड है वो बेकार हो जाएगा, तो भी बता दूंगा। यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन में चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इवेंट ड्यूरेशन, मतलब 11 जून से 18 जून तक, यानी कि आज से स्टार्ट है और 18 जून तक ये चलेगा। इसका रूल की थोड़ा बात कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेयर नीड टू सक्सेसफुली फॉर्म ए लाइन विथ फोर कार्ड्स टू रिडीम प्राइज एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल। यानी कि यहाँ पर आपको 4 कार्ड चाहिए एक लाइन को कंप्लीट करने के लिए, तभी आप दूसरे लाइन पे जा पाओगे। उसे नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर ए टोटल ऑफ थ्री लेवल। यहाँ पर आपको 3 लेवल मिल जाते हैं, जिससे मैंने बताया था कि एस्कल मास्क का, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेनेड का, उसके बाद यहाँ पर आपको फ्री लाइट पास का मिल जाता है। उसके यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर पर कंज्यूम 1 हॉर्स स्कल टोकन टू फिलिप ए कार्ड। उसके 4th में लिखा हुआ कार्ड कैन बी ओनली बी फिलिप्स ऑन्स, कार्ड कैन ओनली बी फिलिप ऑन्स, यानी कि एक कार्ड का आप एक ही बार फ्लिप कर पाओगे, उसको दोबारा नहीं। और फिर से 5 नंबर की बात करें देयर आर चांसेस दैट द फ्लिप विल फेल, यू विल नॉट बी एबल टू फ्लिप अगेन, यानी कि एक बार आपको फ्लिप करने के बाद आपको उस खटाल पे दोबारा आपको क्लिक नहीं करना होगा, वरना आपका जो कार्ड है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। उससे बात करें यहाँ पर 6 नंबर की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइन कैन बी वर्टिकल हॉरिजेंटल एंड डायगोनल, यानी कि आपको तीनों में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप डाउन या फिर कोना कोनी जो होता है ना वो, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि उस तरह किसी तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद लॉग इन डेली टू गेट 1 हॉर्स स्कल टोकन, उसको एलिमिनेट 2 एनिमीज एंड गेट 1 हॉर्स स्कल टोकन। तो ये चीज़ आपको समझ आप आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग पता ही है कि टोकन हम लोग कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग गेम को डेली लॉग इन करना पड़ता है। डेली लॉग इन करने के बाद यहाँ पर हमको हम लोग एक टोकन तो लॉग इन का मिलता है, दूसरा जो हम लोग को 2 बंदे को किल करना पड़ता है, 2 एनिमी को किल करने के बाद यहाँ से हम लोग का टोकन जो है वो क्लेम होता है। तो आप तो देख ही चुके होंगे कि मॉर्निंग में जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था, तो फर्स्ट ओपनिंग के अंदर लॉग इन करते हैं हम लोग गेम के अंदर, लॉग इन करते ही 1 टोकन हम लोग को मिल जाता है और 2 एनिमी को किल करने के बाद हम लोग को 1 और टोकन मिल जाता है, यानी कि हम लोग को डेली 2 टोकन मिलेगा। तो यहाँ पर सबको टोटल मिलेगा, मिलने जो वाला है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 8 दिन चलेगा, 8 दिन 16, तो 16 टोकन यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखो खटाल ही, ये भी 16 खटाल है। यानी एक बात याद रखिए कि यहाँ पर आपको जो फ्लिप करना होता है, तो मैंने यहाँ से गलती कर दी है कि मैंने यहाँ पर 3rd पे फ्लिप कर दिया, तो यहाँ से आपको मतलब 1st नंबर पे फ्लिप करना था। मेरे पास टोटल 2 टोकन था, जिसमें से मैंने 1 यूज़ कर चुका हूँ और मेरे पास 1 बचा हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे मुझे 1 कैप मिला, लेकिन बात यहीं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जो फर्स्ट फ्लिप करना होगा 1st वाले खटाल पर ही फ्लिप करना होगा। मैंने यहाँ पर देखिए थर्ड वाले खटाल पर फ्लिप किया, इसलिए मेरा जो 1 कार्ड है ये फ्लिप हो गया, मतलब बेकार हो गया। आप देख पा रहे यहाँ पर कटमर का निशान है, तो मेरा जो इलाइट वास है तो कभी जिंदगी में मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो 1 कार्ड है वो बेकार हो गया है। तो मैंने ये मिस्टेक कर दिया था, मैंने मतलब पहले रीड नहीं किया था, रीड नहीं करने की वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर दिया, क्लिक करने की वजह से मेरा जो 1 कार्ड है वो बेकार हो गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक तरफ से पहले ये वाला, उसके बाद ये नीचे वाला जो कार्ड है ये वाला
दूसरा नंबर, उसको तीसरा नंबर, उसको तो फोर्थ नंबर, इस तरीके से आपको मतलब एक तरफ से करते हुए जाना है। अन्यथा अगर आप मतलब कहीं से भी करते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मेरा मेरा हो गया यहाँ पर कि ये कार्ड मेरा कैंसिल हो गया। अब दो दोबारा कार्ड मुझे मिलेगा नहीं, अब टोटल मुझे 15 ही कार्ड मिलेगा, ये 14 ही कार्ड, क्योंकि दो दो आज मुझे मिल गया था जिसमें से मैंने एक को रद्द कर दिया और दूसरा मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आपको रॉ कंप्लीट करना, उसके बाद कॉलम, इसके हिसाब से आपको टोटल से कंप्लीट करना, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो दिया गया था, यहाँ पर आपको इमोट मिल सकता है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ये पता नहीं क्या है भाई, मुझे तो अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ा है। गेम पे गेम में देखते हैं कि बहुत सारा इसका जो प्राइज होता है वो बहुत ज़्यादा डायमंड होता है, उसको तो आपको ये चीज़ मिलता है। उस तो लास्ट में यहाँ पर आपको मिलता है एक फ्री इलाइट पास, तो यहाँ पर एक इमोट भी मिलेगा, सही वाला इमोट है वो, तो फ्री में आपको इलाइट पास मिलेगा। अब कुछ लोगों का पंगा चला था कि भाई जिसको बस इलाइट ऑलरेडी है, इलाइट पास है, वो क्या करेगा। तो भाई मेरे पास तो ऑलरेडी इलाइट पास है तो मुझे इलाइट पास की ज़रूरत नहीं है, बट जिन लोगों के पास नहीं है वो शायद मेरे ख्याल से इस चीज़ को नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलाइट पास है और यहाँ पर से इस चीज़ को एक्सचेंज करने का कोई चांस नहीं दिया गया। तो यहाँ पर से आप इमोट ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पर सबको ये कार्ड ले सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल का आपको यहाँ पर आता है। तो मेन मेरा टॉपिक जो था यहाँ पर आपको यही बताना था कि आपको जो क्लिक करना है यहाँ से आपको एक तरफ से क्लिक करना है, ना कि यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक कर दिए आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको कार्ड कैंसिल हो सकता है जिससे मेरा हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना सही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।